तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार सुदीप किच्चा जल्द ही सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म दबंग 3 में नजर आने वाले हैं, जिसमें वो विलेन का रोल निभाकर सलमान के साथ दो दो हाथ करते नजर आएंगे। ऐसे में आज हम आपको सुदीप से जुड़ी कई ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता होगी। पहली बात, सुदीप का जन्म 2 सितंबर 1973 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुआ था। सुदीप ने बेंगलुरु से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और कहा यह भी जाता है कि सुदीप अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं। दूसरी बात, सुदीप ने अपने करियर की शुरुआत साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मा से की थी। ब्रह्मा एक कन्नड़ फिल्म थी। इसके बाद सुदीप ने लगातार 28 कन्नड़ फिल्मों में काम किया और इसके बाद उन्हें हिंदी फिल्म फूक में काम करने का मौका भी मिला। तीसरी बात, एक रिपोर्ट के मुताबिक सुदीप ने एक बार बताया था कि उनके पिता होटल बिजनेस में थे और उनका सिनेमा बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी का एक दौर वो भी था जब वो 500 रुपए प्रतिदिन में जिंदगी बसर करते थे। चौथी बात, हालांकि सुदीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म ब्रह्मा से तो की, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें कोई खास पहचान नहीं दिलाई। इसके बाद साल 2000 में जब वो फिल्म स्पर्श में नजर आए तो लोगों ने किच्चा को पहचानना शुरू किया और इस फिल्म के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन ही लग गई। वैसे आपको बता दें कि किच्चा ने स्पर्श, हुच्चा, नदी, किच्चा, स्वाति मुथु, माई ऑटोग्राफ और इगा जैसी फिल्मों में काम किया है और बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले सुदीप साल 2013 से टीवी रियलिटी शो बिग बॉस कन्नड़ को भी होस्ट कर चुके हैं। फिल्मी जगत के अलावा सुदीप ने साल 2013 में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू की थी। इस कंपनी का नाम स्टेज 360 डिग्री था, लेकिन बाद में इस कंपनी को उनकी एक्स वाइफ ने टेक ओवर कर लिया था और अब सबको इंतजार है तो सुदीप को दबंग 3 में सलमान के साथ देखने का। और ये फिल्म रिलीज हो रही है 20 दिसंबर 2019 को।